हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इससे पहले वाले साइंस के वीडियो में हमने सोर्स ऑफ फूड पढ़ा था, यानी कि भोजन के स्रोत, हमें कहाँ से खाना मिलता है। तो आज ये उसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फल और बीज के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए वही लेके आई हूँ, फल और बीज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फल की। फल क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें छोटी छोटी सी कलियां सी निकलने लगती हैं, जो कि जब खिल जाती हैं तो वही हमारे लिए क्या बन जाते हैं? फल जैसे बन जाते हैं। ये एक तरीके का बीज सा होता है। तो क्या होता है, ये बीज बंद रहते हैं, मतलब बंद ही रहते हैं, पहले कली जैसी ही रहती है, उसके बाद वो खिलते हैं, फूलते हैं। चलिए जैसे उसमें हमारे एग्जांपल्स क्या है, सेब, संतरा, नाशपाती, इसी तरीके के जो है ये क्या है, फल हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से फल कौन कौन से हैं, या इनमें से जो जड़ है वो क्या है, इनमें से तना है वो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पहले पूछे जा चुके हैं। चलिए अब सेब, संतरा और नाशपाती, ये क्या हो गए, ये हमारे गुदादार फल हो गए। आप देखते होंगे इनमें गुदा रहता है, ये गुदादार फल हो गए। अब हम बात करते हैं कि कुछ शुष्क फल भी निकलते हैं। शुष्क फल में हमारे पास क्या आता है, सेब, मक्का हो गई, मटर हो गई, तो ये क्या होते हैं, ये भी फल का ही है, फल के ही रूप है, फल के ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये कैसे, ये शुष्क फल हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देके कंफ्यूज किया जा सकता है, कि जैसे सेम दे दिया तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सेम पता नहीं ये फल है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेम है, मक्का है, मटर है, ये चीज़ें भी फल हैं, बस ये क्या है, ये शुष्क फल हैं। और सेब, संतरा, नाशपाती, ये क्या होगा, ये गुदादार फल होगा। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीज की। बीज क्या होता है, एक शिशु पौधा होता है छोटा सा, आपने देखा भी होगा। हम क्या करते हैं, बीज डाल दिए तो बीज से क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, तो वो निकलने लगते हैं छोटे छोटे पौधे। जैसे आपने देखा होगा घरों में तुलसी जी लगी रहती है, उनमें मंजरी निकलती है, फिर जब हम लोग क्या करते हैं, जब वो मंजरी सूख जाती है तो हम उसको निकाल के रख लेते हैं, और बाद में जब हमें और पौधों की, या फिर जब पतझड़ के बाद झड़ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं बीज को डाल देते हैं और फिर और तुलसी जी हमारी निकल आती हैं। तो क्या होता है, इसी तरीके से बीज क्या होता है, एक छोटा शिशु पौधा होता है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसमें क्या आता है, चना, मटर, गेहूँ, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे बीज के। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं, तो ऐसे मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। पहले में पूछा गया है मूली और गाजर क्या है, मूली और गाजर क्या है, तने हैं, जड़े हैं, पत्तियां हैं या पुष्प हैं। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मूली और गाजर जड़े हैं, क्योंकि एक जड़ और तना पहचानने की आपको हमने एक तरीका भी बताया था कि हम किस तरीके से क्या चीज़ जड़ है और क्या चीज़ तना है पहचानते हैं। जड़ क्या होती है, जिसमें जैसे कुछ मान लीजिए ये मूली जैसा है कुछ, तो मूली में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रेशे निकले होते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये काय का सिंबल है, तो ये आप समझ जाना ये ऐसे पौधे क्या होते हैं, जड़। तो मूली और गाजर क्या है, हमारी जड़े हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है भोजन के स्रोत क्या हैं। तो भोजन के स्रोत तीन होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं, तो इसका आंसर होगा दो। क्यों, भोजन के स्रोत का मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड, हमें कहाँ से खाना मिलता है। तो जो हम लोग हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, वो पौधे से अपना खाना लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा पौधे के किन किन भागों से हमें क्या क्या मिलता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहते हैं, तो इसलिए सोर्सेज ऑफ फूड कितने होते हैं, दो।
एक पौधा और एक जो जानवर ही हो गया। अब चलिए, अभी मैंने आपसे बात की थी बीज को, मैंने बताया था। अब बीज में खाना खाने के हिसाब से हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी वो लोग होते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड रहते हैं, जो कि मांस नहीं खाते हैं, जो कि मतलब हम इन्हें क्या कह सकते हैं, वेजिटेरियन। तो शाकाहारी में वो लोग आते हैं जो कि अपना खाना पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, ये क्या है, ये शाकाहारी जंतु हैं। अब हम बात कर लेते हैं मांसाहारी की। मांसाहारी वो मतलब वो लोग होते हैं, मांसाहारी में वो आते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। जैसे शेर, शेर अपना खाने के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, शिकार करता है, तो वो किस में आ गया, मांसाहारी में आ गया। ऐसे ही अब हम बात करते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में वे लोग आते हैं, वे जंतु आते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी, मतलब जो अपना भोजन दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और वो अपना भोजन दूसरे जानवरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी के एग्जांपल्स क्या हो गए, कुछ पक्षी जो होते हैं वो भी सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि कुछ पक्षी आपने देखा होगा वो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ऐसे ही अगर हम मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्यों में भी आपने देखा होगा कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य भी किस में आ जाएगा, सर्वाहारी में। ये आपसे पेपर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा जंतु शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए। इसके बाद मैं आपको भोजन के घटक के बारे में बताऊंगी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू फ्रेंड्स।